अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। यत्कीर्तनं यत् अस्मरणं यदेक्षणं यदवन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यमनाखसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्माय सेते यदि मूसुपुरुषः भोक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 10, शीर्षक है भक्त श्रोमणी प्रहलाद, श्लोक संख्या 29। एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्री संत्रासान सर्वतो गोप्त्री संत्रासान मृत्योरपि जिघांसत है मृत्योरपि जिघांसत है। एतद् वपुस्ते भगवान् एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्री संत्रासात् मृत्योरपि जिघांसतः। एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्री संत्रासात् मृत्योरपि जिघांसतः। पुष्टे भगवन् ध्यायतः परमात्मना वैष्णवी। एतत् यह बपुह शरीर ते तुम्हारा भगवन् हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् ध्यायतः है जो ध्यान करते हैं परम आत्मनः परम पुरुष का सर्वतः सभी जगह से गोप्त्री रक्षक संत्रासात सभी प्रकार के भय से मृत्योहयपि यहाँ तक कि मृत्यु भय से भी जिघांसतः है यदि शत्रु भी ईर्ष्या करे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे ईश्वर
हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्वहरस चाहूँ, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है, किंतु परमेश्वर की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, यह ब्रह्म संहिता का कथन है। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता, अतएव परमेश्वर की अहेतुकी कृपा से भक्त अपने निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए और ब्राह्मण लोग प्रहलाद महाराज जी के द्वारा हिरण्यकश्यपु की अंत्येष्टि क्रिया किए, अंतिम संस्कार किए, और इसके बाद प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यपु के राज सिंहासन पर विराजमान कराया गया, तो वहाँ पर सारे देवता उपस्थित थे भगवान का दर्शन करने के लिए। देवताओं के मध्य भगवान के समक्ष ब्रह्मा जी भगवान नृसिंहदेव की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला, जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। इस असुर हिरण्यकश्यपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा नहीं मारा जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक के आदेशों का उल्लंघन करने लगा। सौभाग्य से हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि यह अभी बालक है, किंतु है महाभागवत। अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमलों के शरण में है, अर्थात आपका शरणागत है। हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से,
यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु से भी उसकी रक्षा करते हैं। एतद् बपुस्ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्री संत्रासात् मृत्युरपि जिघासतः। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभो, कोई भी भक्त, कोई भी प्राणी यदि आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है तो आप उसकी सदैव रक्षा करते हैं, आप उसे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं, मृत्यु से बचा लेते हैं। भगवान प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक का यह निष्कर्ष है, भगवान की शरणागत और मृत्यु से रक्षा। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मृत्यु के चंगुल से अपने भक्त को बचा लेते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या में प्रस्तुत करते हैं कि हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। प्रकृति के आंगन में हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, कोई भी मृत्यु के चंगुल से नहीं बच सकता, क्योंकि जो मृत्यु है, मृत्यु साक्षात भगवान ही है। मृत्यु सर्व हरश्चाहुं, भगवान कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, अहम विवक्ष्य काल, मैं शाश्वत काल हूँ। तो काल संसार के समस्त प्राणियों को मारता है, सबकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहायर्थे न त्वं शोचिं तु अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है या अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान का शरणागत हो जाता है उसकी मृत्यु टल जाती है। मुख्य टॉपिक से, भगवान के शरण में जाने से आई हुई मृत्यु भी दूर चली जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। जैसे हिरण्यकश्यपु भगवान का विरोधी था, अहंकारी था, अपने को भगवान मानता था, और हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रह्लाद जो भगवान के परम प्रिय भक्त थे, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तंत्र मंत्र का पूरा प्रयोग किया, उसके पास जितनी शक्ति थी सारी शक्तियों को लगा दिया, लेकिन फिर भी प्रह्लाद जी को नहीं मार सका। क्यों? क्योंकि प्रह्लाद जी भगवान के शरण में थे। तो जो भगवान के शरण में चला जाता है उसको कोई वध नहीं कर सकता है। मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के, ये बंगला में कहावत है। भगवान के जो शरण में चला जाएगा उसे कोई मार नहीं सकता है। देखिए प्रह्लाद जी भगवान के शरण में, प्रह्लाद जी को मारने का कितना प्रयत्न किया हिरण्यकश्यपु, पर्वत पर से गिराया, हाथी के पैरों के तले कुचलवाया, अग्नि में जलवाया, सर्पों से डसवाया, काल कोठरी में रखा, बहुत दिन भूखो रखा, फिर भी प्रह्लाद जी का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रह्लाद जी भगवान जी के शरण में थे। जाको राखो साइया मार सके ना कोय, बाल न बंका करी सके जो जग बैरी होय। प्रह्लाद जी भगवान के शरण में आ गए, बच गए। हिरण्यकश्यपु भगवान का शरणागत नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा अहंकारी था और भगवान नृसिंह के द्वारा वह मारा गया। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय,
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। भगवान कालों के काल हैं। मृत्यु के बारे में कहा गया है, आप सभी जानते हैं कि जगत को संचालन करने के लिए तीन ठेकेदार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों ठेकेदार भगवान कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करते हैं, क्योंकि यह जो प्रकृति है यह भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मैया दक्षिणा प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदिव परिवर्तते। भगवान ने सृष्टि संचालन करने के लिए तीन देवताओं को कार्य सौंपे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, और भगवान कृष्ण आदेश देते हैं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वे आदेश देते हैं, तो भगवान सुप्रीम डायरेक्टर हैं। इनके आदेश पर ये तीनों देवता कार्य करते हैं, भगवान विष्णु भी। रामायण में वर्णन है, जिस समय श्री रामा अवतार हुआ था और वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान श्री राम गए, तो वाल्मीकि जी भगवान को प्रणाम किए। पहले भगवान ने प्रणाम किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे आचरण दिखला रहे हैं कि ऋषि मुनियों को सम्मानित करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी भगवान का दर्शन किए और कहे, प्रभो आप तो जगत के स्रष्टा हैं, जगपे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप तो जगत के स्रष्टा हैं, आप तो विधि माने ब्रह्मा, हरि माने वहाँ विष्णु के लिए हरि शब्द आया है, विधि हरि शंभु माने शिव को नचाने वाले हैं, ये तो आपके आदेशानुसार नाचते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। मृत्यु के रूप में साक्षात भगवान है, याद रखें। तो हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु क्यों निश्चित है? मृत्यु के बारे में महाभारत में वर्णन है, मृत्यु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई। याद रखिए, मृत्यु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि संचालन का कार्यक्रम सौंपा है। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए, उन प्रजा को उत्पन्न किए, तो इस पृथ्वी पर इतनी संख्या बढ़ गई कि अब पृथ्वी पर रहने को जगह नहीं, पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं। तब ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी को अकस्मात क्रोध आ गया कि अब पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं, या मुझे सृष्टि का कार्यक्रम सौंपा गया है, अब मैं क्या करूं। उनको क्रोध आ गया और क्रोधाग्नि से आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी से देखे और आकाश में आग लग गई। अब वह अग्नि संसार के समस्त प्राणियों को भस्म करने लगी, सारी जनसंख्या को जलाने लगी। जब भस्म करने लगे तो शिव जी को भी दया आ गई, यह कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं। वो तो जलाने लगी, और जब जलाने लगी तो वह एक मृत्यु के रूप में, एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर के वर्ण लाल थे, रक्त वर्ण के थे। उसने कहा कि मुझे किस लिए आपने उत्पन्न किया है। उनके शरीर से उत्पन्न हुई, वो जलाने का कार्यक्रम सौंपे तो जलाने लगी। तो उसने कहा, मृत्यु ने कहा कि आप हमें किस लिए उत्पन्न किए। कहे कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सबकी आत्मा को अपहरण करो, संसार को भस्म करो। तो मृत्यु ने कहा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकती, इस पाप का भार मैं क्यों लूँ, क्यों मैं सारे प्राणियों को मार डालूँ। आपने रचना किया और मैं मारूँ क्यों, मारने का पाप तो मुझके ऊपर लगेगा, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आदेश है, या कि नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर वो तप की तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा कि वरदान मांगो, तो उसने यही वरदान मांगा कि मैं किसी भी प्राणी की मृत्यु आत्मा को अपहरण न करूं, इसका पाप मुझे न लगे, ऐसा ऐसे मेरे ऊपर कृपा करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, सारे प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, देवता तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम मेरे आदेशों का पालन करो। तब मृत्यु ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया। तो
किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार ही मृत्यु होती है, चाहे वह जैसे भी मरे प्रकृति के आंगन में, चाहे हार्ट अटैक से मरे, किसी रोग से मरे, बम विस्फोट से मरे, या बस ट्रक से टकरा करके मर जाए, किसी जैसे भी हो, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो, तो उसमें उसके कर्म बताए जाते हैं। याद रखिए इस बात को, कर्म की गति बहुत गहन बताई गई है, इसलिए कर्म करने में सावधान होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जी को देखिए, भीष्म पितामह जी के शरीर में कांटे चुभे हुए हैं, पूरे शरीर में कांटे, माने भीष्म पितामह जी को बाण सैया पर लेटाया गया है, पूरे शरीर को बाणों ने बेंध दिया है, अर्जुन ने बेंध दिया, वेध दिया। कौन से ऐसे कारण थे? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे 101 जन्म, 100 जन्मों के परे 101 जन्म में तुमने एक मरे हुए सर्प को, जिंदे सर्प को धनुष में लपेटकर कांटों पर फेंका था, तो उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे। उन कर्मों का परिणाम है कि तुम्हारे शरीर में इतने बाण वेधे गए हैं। इसलिए किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, याद रखिए, कर्म करने में सावधान होना चाहिए। जड भरत जी चलते थे तो चींटी बचाकर चलते थे, राजा रघुगण के पालकी में, कहीं चींटी दबकर न मर जाए। देखिए महात्मा दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कर्म करने में सावधान होना चाहिए। तो कर्म ही मनुष्य के मृत्यु के कारण बनते हैं, और अनादिकाल से जीव भगवान को भुला हुआ है, तो सबके ऊपर कर्म बंधन का पास लगा हुआ है। जैसे भी मृत्यु हो उसमें कर्म ही कारण बताए गए हैं, किसी भी कारण से हो आपको फाइनल जजमेंट यही दिया गया है। इसलिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म है भागवत की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना, भगवान को दान देना, ये सब सत्कर्म है। सत्कर्म करने से मनुष्य बच जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, अगर सभी प्राणी जीवित रहें तो धरती पर रहने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने मृत्यु को उत्पन्न किया। तो काल सबको मार जाता है, काल माने समय, समय बहुत बलवान है। तो भगवान के डायरेक्शन में देखिए, 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, आप देखिए ऑटोमेटिक चल रहा, प्रकृति चल रही है, और समय आने पर प्रलय भी होता है। अभी दिन है, अभी सृष्टि का कार्यक्रम है, जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तो रात्रि में प्रलय हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जल से मग्न हो जाएगी, कोई घर द्वार सब नहीं दिखाई देगा, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और सारे प्राणियों को भगवान अपने अंदर समेट लेते हैं, भगवान विष्णु अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। एक कालचक्र का वर्णन है, सोचिए। तो भगवान के डायरेक्शन में प्रकृति चल रही है। तो मृत्यु अगर ना हो तो पृथ्वी पर रहने को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने मृत्यु को उत्पन्न किया। तो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी मृत्यु ना हो, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अमर बनना चाहते हैं कि हम मृत्यु से बच सके, पर मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जैसे हिरण्यकश्यपु है, ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह मरूं न शाम को मरूं, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, अमरता का वरदान मांगा था, फिर भी हिरण्यकश्यपु मारा गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन मारा गया जिसकी 1000 भुजाएं थे। दशानन रावण मारा गया, दशमुख जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हमका हूं कि मरे ही न मारे, फिर भी भगवान राम ने उसका वध कर दिया। कोई नहीं बच सकता है मृत्यु के चंगुल से, लेकिन जो भगवान के शरण में जाता है वो बच जाता है, उसकी अवधि बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं प्रस्तुत श्लोक में, कि भगवान की शरणागत होने से, क्योंकि मृत्यु भगवान के अधीन है, तो भगवान मृत्यु कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कहते हैं भगवान आपकी मृत्यु की अवधि को, मृत्यु का जो समय है उसको टाल सकते हैं। जैसे काकभुसुंडी जी को देखिए, काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में रहते हैं, काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में रहते हैं, जिन्होंने साक्षी दिया था राजा इंद्रदुम्न की,
27 कल्प बीत गए, सोचिए 27 कल्प बीत गए, आज भी काकभुशुंडी जी कौवे के रूप में नीलाचल पर्वत पर उपस्थित हैं। यहाँ बसत मोई सुन ख ईसा बीते कल्प सात अरु बीसा, एक कल्प में 4,32,00,000 वर्ष होते हैं, हैं ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प कहते हैं, तो 27 कल्प बीत गए सोचिए, फिर भी काकभुशुंडी जी हैं। क्यों हैं काकभुशुंडी जी कौवे के रूप में? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। कबहू काल न व्यापहि तो ही, कबहू काल न व्याप होते तो ही, और सुमिरेशु भज निरंतर मोहि, तुझे कभी काल बाधित नहीं करेगा, तुम मेरा निरंतर स्मरण करते रहो। मार्कंडे जी चिरंजीवी हैं, शिव जी ने बचा लिया उन्हें, हनुमान जी चिरंजीवी हैं भक्ति के प्रभाव से, लोमस ऋषि चिरंजीवी हैं, उनकी छाती का एक बाल गिरता है तो एक ब्रह्मा की अवधि समाप्त होती है। देखिए आप किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से भगवान मृत्यु की अवधि को बचा लेते। पांचों पांडवों को भगवान ने बचा लिया, वचन दिए थे, सभी लोग मारे गए लेकिन पांचों पांडवों को भगवान ने रक्षा किया। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, भीम को विष दिया, बहुत प्रयत्न किया, क्या वो मर सका? नहीं, क्योंकि भगवान उनके रक्षक थे। तो भक्ति करने से अवधि टल जाती है, जैसे अजामिल, जब अजामिल ने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया तो अजामिल की अवधि बढ़ गई, जमदूत तो चले गए भगवान का नाम लेने से, और 16 वर्ष तक अजामिल की अवधि बढ़ गई, और हरिद्वार में 16 वर्ष तक जमकर अजामिल ने भगवान की भक्ति किया, नाम जपा, और फिर अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम चला गया। आई हुई मृत्यु भी टल जाती है, याद रखिए। तो मृत्यु तो भगवान के हाथ में, इसलिए जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसकी मृत्यु की अवधि बढ़ जाती है, हस्तरेखाएं बदलती रहती है। आपके ऊपर संकट है, आप भगवान की शरणागत हो जाइए, भक्ति में इतनी शक्ति है कि काल की गति जो है आपको बाधित नहीं करेगी। ध्रुव जी को काल कुछ नहीं कर सका, देखिए भक्ति की शक्ति, देखिए ध्रुव जी को काल कुछ नहीं कर सका, 36,000 वर्ष ध्रुव जी इस भूमंडल पर राज किए, और बद्रिका आश्रम में जब थे वो तप कर रहे थे तो उनको लेने के लिए काल आया और उसने कहा कि आपकी अवधि पूरी हो गई है, आपके शरीर पर मेरा अधिकार है, मैं आपके शरीर से आत्मा को अपहरण करूँगा। और ध्रुव महाराज को लेने के लिए ध्रुव लोक से विमान आया है, वैकुंठ से विमान आया है, सोचिए काल सामने खड़ा है और कहता है कि इस भौतिक शरीर पर मेरा अधिकार है, और ध्रुव जी भगवान की भक्ति से शक्तिशाली बन गए थे। जहाँ विमान खड़ा है बीच में गैप है, और ध्रुव जी एक टीले पर थे, अकाल बाजू में खड़ा है, काल को ध्रुव जी कहे तुम आकर यहाँ खड़े हो जाओ, मेरे ऊपर तेरा अधिकार नहीं चलेगा। काल आकर खड़ा हो गया और सीढ़ी बन गया, और काल के सिर पर ध्रुव जी पांव रखकर विमान पर चढ़ गए, काल उनका कुछ नहीं कर सका, ध्रुव लोग चले गए, क्योंकि भगवान के शरण में थे ध्रुव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते थे, सतयुग में उस मंत्र की विशेषता थी, काल कुछ नहीं कर सका। देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है। तब ऐसे भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ओ वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो शरीर को त्यागता है मेरा चिंतन करते हुए मेरे धाम में आता है, मतलब शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्त शरणागत हो जाते हैं वे काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि काल भगवान के नियंत्रण में है, काल के नियंत्रण में भगवान नहीं है। देखिए हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, देखिए भगवान हमेशा नवजौवन अवस्था में रहते हैं, क्योंकि काल भगवान के नियंत्रण में है और हम सब काल के नियंत्रण में है, ये अंतर है। तो काल हम सबको मार डालता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, काल दबोच लेगा। इसलिए दो बातों को सदैवी याद रखना चाहिए, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान,
मृत्यु को और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मृत्यु को उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से, याद रखिए, और मृत्यु सबके आत्मा को अपहरण करती है कर्मों के अनुसार। तो कर्म करने में सावधान होना चाहिए, और मृत्यु किसी क्षण भी आ सकती है, क्योंकि सबके सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। काल सबके सिर पर मंडरा रहा है, काल सबको मारता है, यह स्वरूपरी है। भगवान की कृपा से आओ बढ़ जाती है, कहने का भाव यह है। भक्त कर्म के अधीन नहीं होता, भगवान के हेतु कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से बच सकता है, अब बच जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस भाव में। इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी साक्षात उदाहरण है, ध्रुव जी साक्षात उदाहरण है, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएगा उसको बाघ भी महाराज नहीं खा सकता है। ध्रुव जी तप कर रहे हैं, आप लोगों ने ध्रुव महाराज के चरित्र में देखा होगा, इंद्र भी माया का प्रकोप करते हैं, बाघ आता है ध्रुव महाराज जी को खाने के लिए, लेकिन पार्वती जी जगत की माता है, याद रखिए, उन्होंने रक्षा की, क्योंकि दुर्गा जी की सवारी बाघ है। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया और पार्वती जी ने उनकी रक्षा की, बाघ की मति घुमा दी, बाघ कुछ नहीं कर सका ध्रुव जी का, बाघ घूमकर चला गया। जो व्यक्ति दूसरे जीवों पर दया करते हैं, किसी भी जीव का हिंसा नहीं करते हैं, आज जंगल में कहीं पड़ गए, अकेलापन में बाघ आ गया, तो हिंसा करने वाले प्राणी को तो बाघ खा जाएगा, लेकिन जो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनको बाघ नहीं खा सकता है, क्योंकि भगवान सबके अंदर हैं। अगर आप तन से मन से बिल्कुल पवित्र हैं और पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं काम करेगी, नहीं मार सकती है। लेकिन यदि आपके जीवन में कच्चापन है, परिपक्वता नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो आपको बाघ खा सकता है। ध्रुव महाराज के जीवन में परिपक्वता है, जैसे जो तड़का है वो ऋषि मुनियों को खा डालती थी, तड़का नाम की राक्षसी थी ना, जो तड़क के ऋषि मुनियों को खा डालती थी, तो जिस ऋषि मुनियों में यदि कचापन है, मानी परिपक्वता नहीं है, उनको तो खा जाएगी, उसके ऊपर तो अपना प्रभाव डालेगी, लेकिन विश्वामित्र जी देखिए वहीं पर परिपक्वता है, उनको कुछ नहीं कर सकी। तो जिस भक्त में दम है, उसकी भक्ति में दम है, दृढ़ता है, कोई भी कितना तंत्र मंत्र का प्रयोग करे कुछ नहीं कर सकता है। आप पर भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप जाते हैं बैठ के कर लेते हैं, आपकी आसन की कोई पवित्रता नहीं है, आप एक आसन पर करिए और शुद्धतापूर्वक करिए, कोई आपको नहीं डिगा सकता है। परिपक्व अवस्था में परिपक्वता आ जाएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और कच्ची अवस्था में तो कहीं कुछ भी हो सकता है। आपको चार आना विश्वास है, एक आना विश्वास है, जिसके लिए आप भक्ति कर रहे हैं भगवान उस वस्तु को आपको दे देते हैं, आपको भोग चाहिए भगवान भोग को प्रदान कर देते हैं, आपको मांगते हैं कि ये वस्तु चाहिए वो भी भगवान आपको दे देते हैं, तो आपने तो उसके लिए भक्ति किया, भगवान ने दे दिया। लेकिन भक्ति में यदि आपकी कोई दृढ़ता नहीं रहेगी, ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखिए बिल्कुल अटूट भक्ति है, एकदम दृढ़ता है, इसलिए बाघ भी आकर सामने कुछ नहीं कर सकता है। भक्ति में दम, भक्ति में विश्वास होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मोर दास कहाय नरे आशा, कहाई तो करे कहा विश्वासा, एकांगी प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, दूसरे जल को नहीं पीता है, गंगा जी के भी जल को नहीं पिएगा, याद रखिए, उसका एकांगी प्रेम है। मड़ियारा सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता है, मणि उसका जीवन है। उसी प्रकार से भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। आप दूसरे देवी देवता के शरण में जाते हैं, इसका मतलब कि आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नरे आशा, कहाई तो करे कहा विश्वासा, मेरा दास कहाई के दूसरे पर रखे आज तो फिर मेरा दास कहां। जैसे मीराबाई की अटूट श्रद्धा थी भगवान में, याद रखिए अटूट श्रद्धा थी। मीराबाई के सास ससुर क्यों मीरा जी से विरोध हो गए, क्योंकि मीरा जी कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई,
जब मीरा जी अपने ससुराल में गई तो वो कहे कि घर की कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। मीरा देवी ने कहा कि यह शरीर भगवान को समर्पित हो चुका है, इसलिए अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। हमारे आराध्य देव भगवान है, हमारे पति भगवान है, तो क्या मीरा जी का कुछ हुआ? सास ससुर अन्य लोग विरोध किए, लेकिन विरोध से हुआ क्या? मीरा जी की कीर्ति बढ़ी, अंत में सब हार गए और मीरा जी के शरणागत हो गए, कुछ नहीं कर सके। ध्रुव प्रहलाद को इंद्र ने भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इंद्र को डर है ना तपस्या से हमारा इंद्रासन ले लेंगे, तो इसलिए वे भी माया का प्रयोग किए, कुछ नहीं कर सके। भक्त प्रहलाद राजा बने, ध्रुव जी राजा बने। देखिए यह है भगवान की कृपा, हिरण्यकश्यपु से भी शक्तिशाली राज्य प्रहलाद महाराज जी का था, वर्णन है इस भागवत में। तो मृत्यु से बच गए प्रहलाद महाराज जी, कौन बचा लिए? भगवान। तो भगवान शरणागत है। जैसे देखिए शिव जी के चेले भी बहुत बलिष्ठ हैं, क्योंकि शिव जी ने भगवान को आदेश दिया है, सुर हो चाहे असुर सब शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी सबको तपस्या का फल प्रदान करते हैं, चाहे रजगुणी हो सतगुणी हो चाहे तमगुणी हो, तब का फल तो देना ही पड़ेगा। शिव जी के ही पुत्र, शिव जी के ही शिष्य थे, शिव जी का ही चेला रावण था ना, आप देख लीजिए। राम रावण में युद्ध होने लगा तो रावण ने शिव जी को याद किया, आप मेरी रक्षा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जपा, तो क्या शिव जी रावण की रक्षा कर दिए? नहीं कर पाए। ओम नमः शिवाय रटता रह गया, भगवान राम बाण से रावण का वध कर दिए। बाणासुर जब भगवान के प्रपौत्र, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र प्रद्युम्न, जब उसका संबंध स्वप्न में बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हो जाता है, तो बाणासुर अब प्रद्युम्न को मारने का बहुत प्रयत्न करता है, युद्ध होता है भगवान से। देखिए भगवान से भी युद्ध होता है, बलराम से युद्ध होता है, उस युद्ध में शिव जी भी जाते हैं बाणासुर की सहायता करने के लिए, क्योंकि बाणासुर शिव जी का चेला है। युद्ध हुआ भगवान के साथ और शिव जी, भयंकर युद्ध हुआ, कालज्वर जिसको कालज्वर कहते हैं, अग्निज्वर और शीत ज्वर, नारायण ज्वर भगवान के ज्वर को, भगवान का अस्त्र शिव जी के अस्त्र को विफल कर दिया, शिव जी कुछ नहीं कर सके। और जब बाणासुर को मारने के लिए भगवान ने धनुष बाण उठाया और उसकी 1000 भुजाएं थी, 4 भुजाओं को छोड़कर सभी भुजाओं को भगवान ने काट दिया, तब शिव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, शरणागत हो गए, और बाणासुर भी शरणागत हो गया कि हे प्रभु ये मेरा शिष्य है, इसे इसका वध आप न करें, भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि शिव जी शरणागत हो गए। और बाणासुर की जब भुजाएं कट गई तो वो भी भगवान का शरणागत हो गया और अपनी पुत्री की शादी कर दिया अनिरुद्ध के साथ। तो मारे कृष्ण राखे के, देखिए राखे कृष्ण मारे के, भगवान जिसको मारना चाहे उसे देवता भी नहीं बचा सकते, शिव जी क्यों नहीं देवता भी नहीं मार सकते, और भगवान जिसको बचाना चाहे कोई भी देवता और वध नहीं कर सकते हैं, और जिसको मारना चाहे कोई देवी देवता भी नहीं बचा सकते, लेकिन शरणागत होने से भगवान बचा लेते हैं। शरणागत होना चाहिए, ये मुख्य पॉइंट है, भगवान की शरणागति में दम है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाता है, कोटि भी प्रबध ला कहीं जाहीं आए शरण तेजऊ नहीं ताहीं, अगर वो करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया हो, यदि मेरे शरण में आ गया तो मैं शरणागत का कभी वध नहीं करता हूं। तो प्रहलाद महाराज जी भगवान के शरणागत हैं, इसलिए मृत्यु के भय से, मृत्यु से प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए। हिरण्यकश्यपु ने पूरी शक्ति लगा दिया, मारने का प्रयत्न किया, लेकिन उल्टी प्रतिक्रिया हो गई, अंत में हिरण्यकश्यपु ही मारा गया। तो मृत्यु जो है इस संसार में न रहे किसी की हो तो पृथ्वी पर रहने को जगह नहीं मिलेगी। अच्छा मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु हो किसका नाम है? मृत्यु होती है इस शरीर की। जन्म किसका होता है? शरीर की। आत्मा की मृत्यु है ना, जन्म है, और आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता है, क्यों? कि आत्मा आध्यात्मिक है, भगवान को कोई नहीं मार सकता है, भगवान आध्यात्मिक है, अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। जारा नाम का बहेलिया ने बाण मारा था, वो बाण गया भगवान के चरणों में, सीधे सटकर प्रणाम किया, और जारा नाम के बहेलियों को भगवान पहले अपने धाम में विदा कर दिए, बाद में भगवान
अदृश्य हुए। ऐसा नहीं कि जरानाम का बहेलिया ने बाण मारा तो भगवान शरीर को छोड़ दिए, ऐसा नहीं। भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, सतघन चितघन आनंदघन है, शरीर का कभी नाश नहीं होता, दिव्य शरीर है। सशरीर भगवान अदृश्य हो गए, विमान आया और उस पर चढ़कर भगवान चले गए। भगवान का कोई वध नहीं कर सकता है, न भगवान को कोई मार सकता है, क्योंकि भगवान कालों को भी काल हैं। जब हनुमान जी लंका में गए, रावण के सभा में डर कर हनुमान जी ने प्रवचन किया, कहा कि जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, मोरे कहे जान के दीजिए। और जिनके डर से काल भी भयभीत होता है, अभिभेति स्वयं भयम, काल भी डरता है जिनके भय से, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर सभी प्राणियों को खा डालता है, तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, उनसे कभी बैर मत कीजिए, नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। और रावण नहीं माना, हनुमान जी के प्रवचन को स्वीकार नहीं किया, तो अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ, रावण मारा गया। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न बाती, ये कहावत है, उसका वध हो गया। भीष्ण जी भगवान के शरण में आ गए, बच गए, हनुमान जी का कुछ नहीं कर सका। जबकि रावण बलशाली है, बर प्राप्त किया है, अंगद जी भगवान के भक्त हैं, एक बंदर का पांव भी नहीं हिला सके, सोचिए क्या अपने को शक्तिशाली बनते हैं, जबकि देवी देवता सब उनके बस में है। रावण के यहां देवी देवता पानी भरते थे, शनि को बंदी बना लिया था, सोचिए, लेकिन एक बंदर का पांव भी टस से मस नहीं हुआ। अंगद जी ने जब पांव को थाम दिया, चैलेंज कर दिया, जो मम चरण सकटी सठारी फिरो राम सीता में हारी, कि जो मेरे चरण को हटा देगा, वह कहा कि मैं फिरूं राम सीता, मैं राम सीता को लौटा दूंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा यदि मेरे चरण को हटा दोगे। मेघनाथ बहुत बड़ा बलवान था ना, देवी को सिद्ध किया था, याद रखिए। और मेघनाथ जैसे योद्धा को कोई मार भी नहीं सकता था, जो 14 वर्ष तक न सोया हो और 14 वर्ष तक जो जगा हो और अन्न न खाया हो, फल खाया हो, वो व्यक्ति मेघनाथ का वध कर सकता था, ऐसा आशीर्वाद था उसे। सोचिए, बहुत भयंकर विशाल योद्धा थे, सब कुछ माने सभी देवी देवताओं की पूरी कृपा थी उन लोगों के पास में, लेकिन फिर भी एक बंदर का पांव टस से मस नहीं हुआ, अंगद जी के पांव को हिला नहीं सके। सोचिए, एक भक्त में कितनी शक्ति है, वो शक्ति कहां से है, भक्ति के प्रभाव से। भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति सर्वाकर्षण ही है, और भक्ति के बस में भगवान है। काल भी डरता है, यदि भेति स्वयं भयम, इसलिए काल जो है सबको चबा रहा है, काल के गाल में सारी दुनिया है, हम लोग काल के गाल में हैं, काल सबको चबा रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकृति के आंगन में जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु तो सबकी होगी निश्चित, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे परीक्षित महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, 7 दिन लगातार भागवत की कथा सुनकर अपने मन को भगवान में लगा दिए। 7वें दिन विमान आया और शरीर से निकल गए, तक्षक नाग के डसने से पहले परीक्षित महाराज शरीर से निकल गए, क्योंकि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और विमान पर चढ़कर बैकुंठ चले गए। तक्षक उनको कुछ नहीं कर सका, बाद में तक्षक शरीर को डसा तो शरीर जलकर आग भस्म हो गया, लेकिन शरीर से पहले निकल गए। भगवान रक्षक है, याद रखिए, इसलिए भगवान के शरण में जानी चाहिए, और मृत्यु किसी को छोड़ नहीं सकती है। सबसे आश्चर्यजनक है इस संसार में मृत्यु, क्योंकि आप लोगों ने सुना है, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक क्या है। युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिए, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक मृत्यु है। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, हैं, काल के एकदम गाल में हैं, लेकिन फिर भी लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, उनकी मृत्यु तत्क्षण होने वाली है, फिर भी इतने भोग में लिपटे हुए हैं कि उनको ये होश ही नहीं है कि हमें कल मरना है, मृत्यु हमारे सिर पर सवार है। परीक्षित महाराज तो सावधान हो गए, कहा कि इससे बड़ा और क्या आश्चर्य है, जो मृत्यु को देख करके भी सावधान नहीं हो रहा है,
और उसी को बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं, पशु को आप घास दीजिए जिसके गर्दन पर कतलखाना में मतलब सोचिए मशीन चलने वाली है, उसका सिर धड़ से अलग होने वाला है, उसको घास दीजिए, वो घास पशु खा रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि हम भी काल के गाल में हैं। ये तो अज्ञान अज्ञानता है ना। तो संसार के सारे प्राणी काल के गाल में हैं, इसलिए सावधान। मृत्यु पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल से कोई नहीं बच सकता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची चुना पे अटा, न बचे कोई जंगल वास किए, न बचे कोई शीशा बढ़ाए जटा, दिनचारी चरा चर वो तोल से, नर नाहक को सब ठाट ठटा, जो भलाई चहो हरि नाम रटो, कहीं आए अचानक काल जटा। इसका भाव यह है, कोई पंडित वेद पढ़ने से भी नहीं बच सकता है, कोई हवाई महल में भी हो, याद रखिए हैं, गगनचुंबी भवन में हो, वो भी नहीं बच सकता है, और न बचे कोई जंगल वास किए, आप जंगल में वास करेंगे फिर भी नहीं बच सकते, आप कितना ऊंच जटा बढ़ा लें फिर भी नहीं बच सकते, चार दिन दो दिन की जिंदगानी है, क्यों पाप की ठेला भर रहे हो। सावधान, जो भलाई चाहो, यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं आए अचानक काल जटा, काल कभी भी आपको दबोच सकता है, जैसे मेढक टर टर करता रहता है, सांप को बुलाता है अषाढ़ के दिनों में, और सांप जाता है मेढक को निगल जाता है, तो काल तो सबको निगल रहा है, काल तो सबको निगल रहा है। जैसे आपको एक थाली भोजन दे दिया जाए, आप भोजन कर रहे हो तो बारी बारी से आप थाल भोजन को तो समाप्त कर देंगे, काल सबको चबा रहा है, हमको भी चबा डालेगा, लेकिन यदि हम भगवान के शरण में आएंगे तो काल के गाल से हम बच सकते हैं। ये भगवान की कृपा का प्रसाद, इसलिए भगवान के शरणागत होकर के रहना चाहिए। तुकाराम जी उसी शरीर से भगवत धाम चले गए, ये नाम की महिमा है। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, तो मृत्यु तो सबको है और जन्म भी है। कोई कह सकता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता है, अरे जो मर गया सो मर गया, अब क्या होगा। अरे मृत्यु के बाद अगला जन्म भी निश्चित है। कैसे, जैसे देखिए आप, जट भरत जी का दूसरा जन्म हुआ कि नहीं। जट भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़े तो क्या बन गए, हिरण बन गए। फिर तीसरा जन्म हुआ, हिरण का शरीर छोड़ने के बाद भी फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और उनका नाम भी भरत ही पड़ा, जट भरत हो गए। सब कुछ जानते हुए भी चुप, जो बोला सो फंसा, भगवान का नाम जपते रहे भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम चले गए। तीन जन्म लग गया, राजा पुरंजन पुरंजनी में आसक्त हो गया, अगले जन्म में पुरंजन स्त्री बन गया, तो जिसकी आसक्ति स्त्री में होगी अगले जन्म में स्त्री बनेगी, क्लियर है। आप देख लीजिए भगवान का प्रवचन है गीता में, अंत काले चमा में वह अंतिम में जैसी आपकी मति होगी वैसी गति होगी। भीष्म पितामह जी भगवान का चिंतन किए भगवत धाम गए, जटाओं ने भगवान का स्मरण किया पार्षद बनकर भगवत धाम चला गया। मति भगवान में लगनी चाहिए। सती को देखिए, सती ने शिव भगवान का अपराध किया, सीता का भेष बनाकर राम जी की परीक्षा ली, और शिव जी ने पूछा कैसी परीक्षा ली, तो झूठ बोल दी, पति से झूठ बोला तो हुआ क्या, उसको अग्नि में जलना पड़ा अपने पिता के यहाँ जा करके शिव जी का स्थान न पा करके अपने शरीर को जोगाग्नि से भस्म कर दिया। तो फिर अगले जन्म में वो कहाँ बनी, पार्वती, पर्वत से जन्म ले, उसका नाम पार्वती जी पड़ा। तो सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी, फिर भगवान के आदेशानुसार पार्वती जी का शिव जी से ब्याह हुआ और दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करने लगे, दोनों भगवान का नाम जप करते, पूरा परिवार शिव जी का भगवान की भक्ति करता है, तो अगला जन्म निश्चित है। चित्रकेतु को देखिए, वित्रासुर नाम का असुर बने, भयंकर असुर बन गए, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव जन्म, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु अपरिहार्य है प्यारे बंधुओं।
मृत्यु के तगाल में है, अगर मृत्यु पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सोचिए कि हमारी मृत्यु ना हो, आप मृत्यु से बच सकते हैं, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की अहत्यु कृपा के ऊपर डिपेंड है। भगवान मृत्यु को भी टाल देते हैं, आपकी हस्तरेखाओं में है कि आपकी मृत्यु इस समय होने वाली है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मृत्यु से टाल सकती है, वो है भगवान की भक्ति। आप भगवान के शरण में आ जाएंगे तो ये मृत्यु वाली जो रेखाएं आपकी बदल जाएंगी, भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति आपको भगवान के पास पहुंचा देगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा, आप देखिए काल सबको चबा रहा है। हिरण्यकश्यपु तो बहुत महान है ना, वो भगवान का पार्षद है, कोई साधारण असुर नहीं है हिरण्यकश्यपु, लेकिन समझाने के मामला में हिरण्यकश्यपु बहुत चतुर है। इसी भागवत में, इसी सप्तम स्कंद में ही, इससे पहले हिरण्यकश्यपु अपने संबंधियों को समझा रहा है, कहे आत्मा तो नित्य है, शरीर तो नश्वर है, तो नश्वर चीज के लिए क्या रोना है, क्या शोक करना है। कुलिंग पक्षी का उदाहरण देता है, एक पक्षी को ब्याधा फंसा लेता है और नर उसका जो पति है वो रोने लगता है, विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी को फंसा लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं बच पाएंगे, ऐसा रोता रहा तब तक बहेलिया ने उसको भी बंद कर दिया। शरीर सामने पड़ा हुआ हो और आप रो रहे हो, रोते रोते मर जाइएगा, फिर भी क्या वो आत्मा लौट करके आएगी, नहीं आएगी। आप भी रोते रोते खत्म हो जाइएगा तो फिर फायदा क्या, ये शरीर किसके लिए मिला हुआ है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। याद रखिए, मौत को और भगवान को कभी मत भूलिए, सबकी मौत होने वाली है, ये नहीं किसी जन्म ले अन्य पशुओं की तरह आप भी मर जाएं, फिर आपके मानव शरीर की विशेषता क्या रह जाएगी, मानव शरीर तप करने के लिए मिला हुआ है। भगवान की भक्ति करिए, भक्ति करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करिए। मृत्यु एक प्रकार का दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि, ये चार प्रकार के दुख हैं, वर्णन नहीं गीता में। अगर दुखों पर यदि छुटकारा, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सीधे भगवान के शरण में जाइए, और कोई उपाय नहीं है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, आपके अनेक जन्मों का केस भगवान का नाम समाप्त कर सकता है, भक्ति में शक्ति है। जन्म जन्म के खतजु पुराने, नाम ही लेत फटेरे, जन्म जन्मांतर जो आपकी पाप की खता है वो सारी खता भस्म हो जाएगी, कब, जब हम भगवान का नाम लेंगे तब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये प्रस्तुत श्लोक में, हे भगवान, आप साक्षात परमात्मा हैं, यदि आपका कोई चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु मतलब निकट मृत्यु से भी आप उनकी रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। ये भगवान का वचन है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी यह व्रत टरत्न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, इन बातों को सदैव याद रखना चाहिए। करें बहुत गई थोड़ी रही, जीवन की अवधि बीतती जा रही है, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत, एक नारायण कवि है, कहते हैं कि सावधान हो जाओ, काल चिड़ैया चुग रही निस्दिन आउ खेत, काल रूपी जो पक्षी है कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो चिड़िया आपकी याऊ को खा रही है, निस्दिन दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा छट छट आपके समय को काटते जा रहे हैं, इतना समय आपका बीत गया, जन्म लेते ही याऊ घटने लगती है, इतना समय बीत गया, सावधान, फिर भी जीव सावधान नहीं हो रहा है, भोग में फंसा हुआ है, मृत्यु सिर पर सवार है। ये बड़े बड़े आश्चर्य की बात है भाई, परीक्षित महाराज तो सावधान हो गए लेकिन जो बुद्धिमान है वे सावधान हो जाते हैं, झोली माला लेकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो हम लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिए, रे भूले हुए जी हो जा सचेत, अब सब कुछ पड़े यहीं रह जाएंगे, जिसको तूने अपना समझा वे सभी दूर हट जाएंगे, हो जा सचेत अब व्यर्थ गवा मत, यह जीवन है अमूल्य तेरा, प्राणों के तन से जाते हैं इसको लाकर बाहर घेरा, जब ही प्राण निकल जाएगा तो वहीं आपके शरीर को जला दिया जाएगा, यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसलिए इस साधन को जबरदस्ती घसीट कर भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान का नाम जप कीजिए ताकि यह शरीर सार्थक हो जाए। वह देह नहीं कब हूँ जिसने,
जग में हरि काज क्या ही नहीं, वह टूट पड़े रसना जिसने हरि नाम सुधा बरसाया नहीं। ये फाट पड़े प्रभु का जिसमें मनमोहन रूप समाया नहीं, यदि रक्षित माधव को पाया नहीं इस जीवन में कुछ भी कमाया नहीं। याद रखिए, इसलिए भक्ति करें, नहीं तो मरने के बाद फिर कुकर सुकर जोनी में चले जाएंगे महाराज, फिर अवसर नहीं मिलेगा। मानव जीवन सुनहला चांस है, भक्ति करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें, और हमारा जो गंतव्य स्थान है भगवत धाम है, वहां जाकर आप सदा के लिए सुखी हो जाएं। यदि आप मनुष्य शरीर में रहना चाहते हैं, जैसे रसखान जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, यदि मानुष हो तो वही रसखान ब्रजो बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वार। जैसे उद्धव जी कहते हैं मुझे ब्रज की लता पता बना दें, हैं हम भगवान का स्मरण करते रहें, गोपियों की हम अनुगामनी रहें, भगवान की स्मृति करते रहें। मानव शरीर यदि प्राप्त हो तो ब्रज में हम जन्म लें, पक्षी बने तो ब्रज के पक्षी बने, पेड़ बने तो ब्रज के पेड़ बने, जहाँ भगवान लीलाओं को करते रहते हैं, उनका स्पर्श हो, उनका दर्शन हो, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। तो मृत्यु से हम बच नहीं सकते, मृत्यु अपरिहार्य है, और भगवान के शरण में जाने से मृत्यु की अवधि बढ़ सकती है, ये भगवान की अहित की कृपा है। पांडवों को भगवान ने सुरक्षा प्रदान किया, ध्रुव को, प्रहलाद को, मार्कंडे को, बहुत से जो भी भगवान के शरण में गए भगवान ने उनकी रक्षा किया। तो जो भगवान के शरण में जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, और उनकी मृत्यु की जो सीमा है उस सीमा भी भगवान की कृपा से टूट जाती है, उनकी अवधि बढ़ जाती है। इसलिए भगवान का शरणागत होकर के जीवन बिताना चाहिए, प्रस्तुत श्लोक का यही भाव है। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा? क्या क्या? शिव जी और शक्ति, शिव जी बाणासुर का बात ले, अग्नि परीक्षा शिव जी की नहीं है? अरे तो कई बार आप लोग सुने हैं। राम रावण में युद्ध होने लगा तो शिव जी कहने का मतलब है कि रावण शिव जी का चेला है, आप समझ रहे हैं? तो देवता शिव जी के शरण में है, रावण अपने दसों शिष्यों को हवन करके वो शक्ति प्राप्त किया था, शिव जी का उनके ऊपर आशीर्वाद था। तो ओम नमः शिवाय मंत्र रट रहा था, लेकिन फिर भी शिव जी उसकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवान का विरोधी था, भगवान का शरणागत नहीं था। शिव जी के शरण में जाने के बाद भी रावण नहीं बच सका, कहने का भाव है, क्योंकि वह अहंकारी था। बाणासुर इसलिए बच गया कि बाणासुर शरणागत हो गया। अग्नि परीक्षा तो सीता जी की हुई थी, शिव जी की थोड़ी हुई थी। ये तो इस प्रसंग के अनुसार नहीं है यार, उसका इस प्रसंग से कोई मतलब नहीं। चलिए आगे चलिए, प्रसंगानुकूल होना चाहिए कोई भी प्रश्न। दो बार अग्नि परीक्षा हुई, दोनों में सीता जी, तो सीता जी की बात बोल रहा ना, अग्नि परीक्षा तो सीता जी की हुई है। ओ सती जी ने अग्नि, तो सती जी जो अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दी, इसलिए कि शिव जी महान वैष्णव हैं, तो जग में शिव जी का स्थान नहीं रहा। तो जग में यदि शिव जी का स्थान न हो, याद रखिए वो जगह वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। वो परिवर्तन आ रही थी सती, तो अपने पति का अपमान दे करके उसने अपने शव को जला दिया, अपने शरीर को भस्म कर दिया। कहा कि शरीर को दक्ष ने पैदा किया है, इसलिए यह शरीर दक्ष के ही सामने मैं इस शरीर को भस्म कर दूंगी। तो भगवान शिव का स्मरण करती हुई उसने अपने शरीर को अपने ही अंगूठे से जुगाग्नि प्रकट की, क्योंकि वो सती थी, अपने अंगूठों का इसे रगड़ा और उसे अग्नि प्रकट हो गई, और उसी जुगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो शरीर को भस्म करते समय उसने शिव जी से वरदान मांगा कि अगले जन्म में मैं आपकी धर्म पत्नी बनूं। तो वही सती शरीर छोड़ने के बाद फिर पर्वत से जन्म लेती है, हिमाचल पर्वत पर, और पर्वत से जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ता है। जन्म जन्म में लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभुनत रहऊँ कुमारी।
शिव जी का स्मरण करते हुए सती ने शरीर त्याग दिया, तो इसलिए शिव जी को उसने प्राप्त कर लिया। तो वो शक्तिशाली थे, अपने पति का अपमान दे करके उन्होंने जोगाग्नि से, उनमें शक्ति है, शिव जी सती हैं, उनमें शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने शरीर को भस्म कर दी और दूसरा फिर नवीन शरीर प्रदान पर प्राप्त की, वो पार्वती जी का शरीर था। अब शिव जी का शरीर के बारे, सती के शरीर के बारे में हम तमाम कहानियाँ हैं, उनके अंग जगह जगह गिरे, कहाँ कहाँ क्या क्या बन गए, सब शक्तिपीठ बन गए बहुत, वो तो अलग सब कथाएँ हैं। लेकिन सती ने अपनी जोगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, उनमें शक्ति थी, वो देवी हैं, इसी को बोल रहे थे ना, दो बार परीक्षा का वर्णन नहीं है इसमें, रामायण में सती का यही वर्णन है कि उसने जो अपने शरीर को भस्म कर दिया। और कोई? हाँ बोलिए हनुमान जी। हरे कृष्णा। तो कमेंट है, जब मेघनाथ, इसका एक नाम इंद्रजीत भी है, उसने इंद्र के साथ युद्ध हुआ तब इंद्र को बंदी बनाया, तब हाँ। ब्रह्मा जी आए और उनसे पूछा आप इसके बदले में क्या चाहते हो, तब इंद्र को मुक्त कर सकते हैं। तो उसने कहा जो व्यक्ति पत्नी रहते हुए 14 वर्ष तक निराहार रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, रात दिन सोएगा नहीं, उसके हाथ से ही मेरी मृत्यु हो और किसी से मृत्यु नहीं होगी। इसलिए उनका जो मृत्यु है लक्ष्मण के हाथ से ही हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? इनका कमेंट रहा मेघनाथ की मृत्यु का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने जैसा कहा कि भरत महाराज ने मृत्यु के समय हिरण की स्मरण किया तो हिरण जन्म हो गए, तो एक अगर व्यक्ति कोई मतलब कुछ खाते हुए है? कुछ खाते हुए शरीर त्याग करेगा तो उसको क्या मतलब नेक्स्ट गति क्या प्राप्त होगी उसको? क्या समझा नहीं? जैसा एक मेरा फ्रेंड का पिताजी था, वो क्या ना, वो समोसा खाते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया। हाँ। तो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेगा वो? हाँ तो सुनिए, तो वही तो बात कही जा रही, भगवान कह रहे हैं कि वो अंत में चिंतन कर, जिस चीज का चिंतन करेगा, यदि वो समोसा का चिंतन करेगा तो समोसा बन जाएगा, बिल्ली का चिंतन करेगा तो बिल्ली बन जाएगा, सीधी सी बात है। किसी भी चीज का, शुकर का चिंतन करेगा शुकर बन जाएगा, जिस चीज का चिंतन करेगा आप वही बन जाइएगा। हाँ बिल्कुल, आप पेड़ का चिंतन करेंगे तो पेड़ बन जाएंगे, सीधी सी बात है। भगवान कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, भगवान का चिंतन करेंगे तो आप भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। जैसे भृंगी कीड़ा का उदाहरण दिया जाता है, भृंगी एक कीड़ा होता है, देखे ना दीवाल में जो मिट्टी के अंदर एक दूसरे जीव को बंदी बना लेता है, भृंगी कीड़ा बोलते हैं, बिलनी जिसको बोलते हैं, तो जिस कीड़े को बंदी बना देता है वह कीड़ा डर जाता है भृंगी कीड़ा से, वह भृंगी का चिंतन करने लगता है और भृंगी का चिंतन करते करते अपने शरीर को त्यागता है तो भृंगी स्वरूप को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से जो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ेगा तो भगवान बन जाए, भगवान का स्वरूपार्षद का प्राप्त करेगा, जो समोसा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो समोसा बन जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, कुत्ता हो बिल्ली हो कुछ भी हो एनीबॉडी, जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। अरे समोसा का मतलब आलू भी तो एक जीव है ना, आप समझे नहीं हमारी बात को, गेहूं से ही तो आटा बनता है ना, सब मिलकर ना समोसा बनते हैं, तो फिर उस योनि को प्राप्त करेगा। भगवान का एक प्रवचन है, अच्छा मान लीजिए समोसा खा रहे हैं, याद रखो समोसा तो खा रहे हैं लेकिन मन तो कुछ और काम कर रहा है ना, मन तो और कुछ सोच रहा है ना प्रभु, मन तो खाली समोसा का चिंतन तो नहीं कर रहा है ना, तो टेस्ट ले रहे हैं लेकिन मन तो कुछ दूसरा सोच रहा है, तो उस समय उनकी जो सोचन शक्ति होगी उस शक्ति के अनुसार उनका शरीर, चेतना के अनुसार शरीर मिलता है, कि आपकी चेतना किधर है, आप समझ गए बात को। इसलिए चेतना को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि अपने को ऐसे सांचे में ढाल लें जिसे चेतना की शुद्धि हो। इसीलिए चेतना को शुद्ध करने के लिए गीता में भगवान ने अभ्यास और वैराग्य को बताया, चंचल मन को वश में करने के लिए अभ्यास, भक्ति जो का अभ्यास करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये अभ्यास बार बार चिंतन करें, मन को पकड़ लें
आपका उद्धार हो जाए। और बैराग का मतलब कुसंगत से बैराग, कली के चार महान पापों से बैराग, भगवान का चिंतन करें पकड़ेगा। और शास्त्र ये भी कहता है यदि नाम को आप जपिएगा, भले आपका मन भगवान को ना पकड़ा हो, यदि नाम को आप पकड़े रहेंगे तो नाम आपको भगवान के पास पहुंचा देगा। इसलिए नाम को पकड़ करके रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।